जय श्री राम। आप सभी को सबसे पहले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये दशहरा है उसका हमने कार्य शुरू किया, तो सबसे पहले हमने उसमें जो है जो बैंज बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने वो लाए। फिर उसके बाद जो हमारे जो पुतले का निर्माण करते हैं श्री कमल जी, लगभग काफ़ी वर्षों से ये कंटिन्यू जो है पुतले का निर्माण करते हैं, और हमारे जो है वरिष्ठ कलाकार है तो श्री कमल शर्मा जी पुतले का निर्माण कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारे रामलीला युवा रामलीला क्लब के जितने भी सदस्य हैं वो सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं इस कार्य को संपन्न करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और सबसे पहले तो हमने फिर पुतले का निर्माण करने के लिए सभी एकत्रित हुए, सब मटेरियल जो था वो इकट्ठा किया और फिर पुतले का जो है निर्माण करने लग गए। और कुछ लोग जो हमारे छोटे युवा साथी हैं वो गांव में जाकर घास लेकर आए और घास इकट्ठा करने लग गए जो भी उसमें जो है पुतले के अंदर जो हमने पेट में भरना। फिर उसके बाद हमने टी टाइम था, हमने चाय पी सभी ने मिलके, सभी को चाय बनाई। पहले तो चाय बना रहे थे पर हमारे जो वरिष्ठ कलाकार है धर्मपाल जी, पाली बोलते हैं हम उन्हें, पाली भाई हमारे बड़े भाई हैं, तो अकड़ जाते हैं कि चाय नहीं हम कॉफ़ी पीएंगे। तो उनका मानना है कि कॉफ़ी सबके लिए अपनी तरफ से अच्छा करना है, तो हम लोगों ने उनकी सहायता से उन्होंने कॉफ़ी बनाई, सभी को कॉफ़ी दी, कॉफ़ी पी। उसके बाद हमने पुतले का जो स्ट्रक्चर था वो तैयार करके उसको लिटा दिया, और उसके बाद जो है उसमें उसके जो उसको भरने की जो प्रक्रिया है जैसे उसमें घास डालने लगे और जो भी मटेरियल होता है वो हमें उसमें जो कपड़े वगैरह जैसे भी हैं वो उसमें डालने लगे, और उसको तकरीबन हमने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया। फिर उसके बाद जो है उसमें कपड़ा बांधने लगे, उसके ऊपर जो है उसका जो कवर लगे उसको कपड़े से करने। फिर धीरे उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद सबने मिलकर पुतले को खड़ा किया, परंतु खड़ा करते करते एक साइड को पहले गिर भी गया था, गिरते गिरते बच गया। प्रभु श्री राम जी की कृपा सब पे बनी रही और फिर हमने उसको लास्ट में जो है खड़ा कर दिया उस पुतले को। फिर रात को सारी हमारे जो कलाकार मंच है वो सारा संपन्न होने के बाद हमने पुतले का दहन किया और बड़े शानदार तरीके से पुतले का दहन किया और बड़ा आनंद लिया, बड़े जोरदार पटाखे बजाए, तो बहुत मज़ा किया, सभी ने फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो हम बोले हर्षित उल्लास से हमने इस कार्यक्रम को मनाया। और फिर जैसा कि आप देख ही रहे हैं कुछ तो हवाइया जो हवाई पटाखे वगैरह हम लगाए थे इधर उधर गए, पर किसी को किसी तरह का डांस किया, फुल एंजॉय किया। और उसके बाद डांस किया, धमाकेदार डांस किया।